जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयुष मंत्रालय भारत सरकार एवं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की 100 दिन की उपलब्धियों की जानकारी दी। कुलपति प्रो संजीव शर्मा ने मीडिया को बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ डोनर समझौता किया है। आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करने के लिए आयुष मंत्रालय विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर बड़े स्तर पर कार्य कर रहा है। इस दिशा में जिनेवा में आयुष मंत्रालय और WHO के बीच एक डोनर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली में बेहतर तरीके से एकीकृत करने और साक्ष्य आधारित पारंपरिक चिकित्सा के लिए मजबूत आधार बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 1 अगस्त को भारत और वियतनाम ने औषधीय पौधों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य औषधीय पौधों पर शोध संसाधन और जानकारी के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। गंगौरी बाजार स्थित प्राचीन महाकालेश्वरी दुर्गा माता के मंदिर में 11 अक्टूबर को महाअष्टमी का पूजन किया जाएगा। मंदिर महंत पंडित प्रेम नारायण जोशी और पंडित मानव जोशी ने बताया कि महाअष्टमी पर माता का नैनाभिराम श्रृंगार किया जाएगा। नवीन पोशाक धारण कराने के बाद माता की शाम को 6 बजे 251 दीपों से आरती की जाएगी। इस अवसर पर मंदिर में विभिन्न संत और महंत माताजी के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आर्थिक क्षेत्र के प्रमुख CA, CS, CMA उद्योगपति के साथ राइजिंग राजस्थान पर चर्चा की और कैसे इन वर्गों की सहभागिता बढ़े इस पर सुझाव भी लिए। CA ने चर्चा में चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष सुनील गोयल, मयूर यूनिकोटर्स के चेयरमैन सुरेश पोद्दार, जीनस पावर के चेयरमैन IC अग्रवाल, ARG के आत्माराम गुप्ता, कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्याम अग्रवाल, गोलछा ग्रुप के विक्रम गोलछा आदि के साथ काफी संख्या में आर्थिक क्षेत्र के प्रबुद्धजन मौजूद रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री KS बड़ी ES शिखर अग्रवाल, इंडस्ट्री के अजिताभ शर्मा, ACS विद अखिल अरोड़ा, रिको चेयरमैन इंद्रजीत सिंह सहित अधिकारीगण भी मौजूद थे। सभी ने मुख्यमंत्री के इस प्रयास की सराहना की और राइजिंग राजस्थान में पूर्ण सहयोग का संकल्प किया। RTO प्रथम के अंतर्गत ऑपरेशन कवच अभियान के दूसरे दिन RTO राजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देशन में उड़न दस्तों द्वारा कुल 312 चलान किए गए। इनमें ओवरलोड के 27, ओवर प्रोजेक्शन के 29 और ओवरक्राउड के 27 चलान शामिल हैं। इसके अलावा बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के 42 चलान किए गए। इस कार्रवाई के तहत 4 बसों सहित कुल 38 वाहनों को सीज किया गया है। चालानों से लगभग 17 लाख रुपए के राजस्व की प्राप्ति होने की संभावना है। ARTO प्रकाश टहलियानी की मॉनिटरिंग में ये कार्रवाई चल रही है। अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा में सुधार और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट गुरुवार को अजमेर पहुंचे। उन्होंने किशनगढ़ में PCC सदस्य राजू गुप्ता की मां और पुष्कर में कैलाश कसाना के भाई के निधन पर परिजनों से मुलाकात कर शोक जताया। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान के विधानसभा उपचुनाव पर हरियाणा चुनाव परिणाम का असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस ने उपचुनाव में सभी 7 सीटों को जीतने के लिए बहुत पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली है। राजस्थान में भाजपा की सरकार ने मात्र 10 माह में ही जनता में विश्वास खो दिया है। विपक्ष के रूप में आमजन के लिए कांग्रेस का सरकार के साथ संघर्ष जारी रहेगा। शहर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पायलट का माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली सहित 4 ब्लॉक अध्यक्ष और 22 में से 21 मंडल अध्यक्षों ने पायलट से दूरी बनाए रखी और स्वागत कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। तमाम तरह की अड़चनें लगाई गई, छोटे छोटे दलों से पर्दे के पीछे से चुनाव लड़वाया गया ताकि जो हमारी कश्मीर प्रोविंस के जो वोटें थी उन वोट का बंटवारा हो, लेकिन लोगों ने समझदारी करी और अपना वोट ज़ाहिर नहीं किया, वोट ख़राब नहीं किया और हमारे अलायंस को वोट देकर एक स्पष्ट और ऐतिहासिक बहुमत मिला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नए सरकार के गठन के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो एक जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश दिल्ली से की गई थी उसकी भरपाई हो पाएगी, लोगों को रोज़गार मिलेंगे, अमन चैन और फैलेगा और ख़ासकर जम्मू संभाग में जहाँ पहले कभी भी आतंकवादी घटनाएँ होती नहीं थी, उस जम्मू संभाग में पिछले साल भर में लगातार वहाँ घटनाएं हुई, हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हुए हैं, उस पर भी नई सरकार बनने के बाद अंकुश लगेगा और एक नई
शुरुआत उस जम्मू कश्मीर में होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड था जो छीन कर उसको यूटी बनाया गया था, केंद्र सरकार ने भी कहा है कि हम उसको करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टेटहुड बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल पाएगा। आप बोलो क्या कहना चाहते हैं? राजस्थान के संदर्भ की बात है, ये पहली बार हुआ है कि 10 महीने हैं सरकार को बने हुए, इन 10 महीनों में आम चुनाव भी हो गए, लेकिन जिस प्रकार का सरकार का निर्माण हुआ था, जब भी जनता सरकार बनाती है कुछ उम्मीदों के साथ बनाती है, दुर्भाग्यवश राजस्थान के अंदर सब कुछ चरमरा गया है, लॉ ऑर्डर कोलैप्स हो रखा है, अफसरशाही हावी है, सत्ता के अनेकों केंद्र बन गए हैं, मंत्री इस्तीफा दे के बैठे 3 महीने से, पता नहीं कि वो मंत्री हैं कि नहीं हैं, मुख्यमंत्री जी अपना काम करने में उनको छूट नहीं मिल रही है, और सत्ता संगठन के अंदर सत्ता कुछ बोलती है संगठन कुछ बोलता है, तो जो कन्फ्यूजन हो रहा है उससे लोगों के काम हो नहीं पा रहे हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए, निर्माण के विकास के जो काम थे लगभग ठप पड़े हैं, बजट आवंटन नहीं हो रहे हैं, फाइनेंशियल स्वीकृति नहीं मिल रही है, जो काम लास्ट गवर्नमेंट ने किए थे उनको भी रोक दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 महीने में इतनी जल्दी कोई सरकार अपना इकबाल खो दे, पहली बार मैंने देखा है। सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने गुरुवार को 20 साल का कठोर कारावास और 1,00,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। पॉक्सो प्रकरण की विशिष्ट न्यायालय संख्या 1 के न्यायाधीश राजीव बिजलानी ने सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी सवाई माधोपुर निवासी सोहेल को दोषी मानते हुए 20 साल का कठोर कारावास और 1,00,000 रुपये जुर्माना की सजा दी है। अदालत ने प्रकरण की जांच में लापरवाही बरतना स्पष्ट होने पर पुलिस महानिरीक्षक अजमेर रेंज को अनुसंधान अधिकारी भूराराम खिलेरी के विरुद्ध सामान्य नियम दीवानी के तहत कार्रवाई कर अदालत को सूचित करने का भी आदेश दिया है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती, चाय का प्याला अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है, खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार, विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।